अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्री मेड टेम्पलेट्स के अबाउट, कि विक्स के अंदर जो प्री मेड टेम्पलेट्स मौजूद हैं उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, बहुत जल्दी एक अच्छी सी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। ये इस वेबसाइट पर हम बेसिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे और मैंने आपको तमाम टूल्स के अबाउट डिटेल के अंदर बताया। तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड के अंदर और इसको मैं कर दूंगा कट। कट करने के बाद हम वापस अपने उसी डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखें हम इस वाली वेबसाइट को करते हैं डिलीट, ठीक है, मूव टू ट्रैश, या यहीं से ऐड न्यू कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्रैश कर देता हूँ, ठीक है, जो भी मैंने वेबसाइट बनाई थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक नई वेबसाइट बनाता हूँ और जो स्टेप्स हम स्टार्ट के अंदर फॉलो करना चाह रहे थे जो कि मैंने स्किप करवा दिए थे, उन ऑप्शंस को हम देखेंगे, क्योंकि उस टाइम हम डायरेक्टली प्री मेड टेम्पलेट की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अंदर जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन का क्या काम है। लेकिन राइट नाउ हमें पता है कि कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं एडिटर के अंदर, किसकी क्या क्या चीज़ें हम टेम्पलेट के साथ कर सकते हैं। तो अब हम उन टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे जो प्री मेड बनी हुई हैं और हमें ऑप्शंस का भी पता है और हम अपनी वेब टेम्पलेट को ईजिली कस्टमाइज़ कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये लोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक लोड होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं वापस डैशबोर्ड के अंदर और यहां पे हम एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब हम वो सारी टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे ये स्किप वाला ऑप्शन हम पहले यूज़ कर रहे थे, बट राइट नाउ हम वो स्किप वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें जिस तरह की भी वेबसाइट चाहिए वो हम चूज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज हमें चाहिए पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और वो फिर आगे नेक्स्ट पूछेगा किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है आपने। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे डेवलपर्स का पोर्टफोलियो चाहिए, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और ये फिर मुझे उसी तरह के टेम्पलेट्स दिखाएगा। विक्स का AI बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, कि हम इससे जस्ट कुछ डिटेल्स देते हैं, उन डिटेल्स की भी आपके ऊपर ये हमें पूरे जो है साइट डिज़ाइन करके दे देता है। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख दूंगा, लेट्स सपोज अपना नाम लिख देता हूँ, जो कि हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये हमें पूछ रहा है कि अपनी वेबसाइट के अंदर और क्या क्या चीज़ें आप ऐड करना चाहेंगे, लाइव चैट ऐड करना चाहेंगे, फॉर्म्स ऐड करना चाहेंगे, बुकिंग्स के ऑप्शन यूज़ करना चाहेंगे, इंस्टाग्राम फीड, प्राइसिंग प्लान्स, तो जो भी कुछ भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि स्टार्ट डिजाइनिंग योर वेबसाइट, कस्टमाइज डिजाइनर मेड टेम्पलेट, गेट कस्टम बिल्ड वेबसाइट, लेट विक्स क्रिएट योर वेबसाइट इन मिनट्स। अब इन दोनों ऑप्शन का क्या काम है? ये ऑप्शन है जिसके अंदर आप डिटेल्स दोगे, ठीक है, विक्स को, मतलब मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये वाला फॉन्ट यूज़ होना चाहिए, ये इतने इतने सेक्शंस होने चाहिए, इतने पेजेस होने चाहिए, तो विक्स ऑटोमेटिकली उसको डिज़ाइन कर देगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, ठीक है, लेट्स से मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, विक्स को बस डिटेल्स देनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं लोगो यूज़ कर लूँगा, ठीक है, मैं लेट्स सपोज ये वाला लोगो यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है, ये एक रैंडम ईमेल है। यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, लेट्स सपोज कुछ भी, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
अब देखें यहाँ पे विक्स ऑटोमेटिकली मुझसे पूछ रहा है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, तो हम किस तरह का कलर चाहिए, मिनिमल चाहिए, हाई राइज, लश, चिक, फ्यूज, ये डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, मुझे मिनिमल चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर यहाँ पे देखें ये विक्स ऑटोमेटिकली जो है हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जो मैंने इसको रिक्वायरमेंट्स दी हैं, ये काफ़ी कूल है। तो यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो है वेबसाइट हमारे लिए डिज़ाइन कर दी है। लेट्स सपोज मुझे ये वाला वर्शन जो है वो पसंद आ रहा है इसका, तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसीड कर लूँगा और इसके अंदर जो जो चीज़ें मिसिंग हैं वो मैं खुद से ऐड कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विक्स पूछ रहा है हमसे कि आपको कौन कौन से पेजेस चाहिए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज का चाहिए और CV वाला ऑप्शन चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है ये सारे पेजेस मुझे चाहिए, तो मैंने उनको सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आवर नीड डिज़ाइन हो चुकी है। तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है विक्स डिज़ाइन करता है और उसके बाद आप इसके अंदर कोई सेक्शन ऐड या डिलीट करना चाहें, ये देखें लाइव चैट भी ऑटोमेटिकली लग गया जो हमने सेलेक्ट किया था, तो ये आपको मैन्युअली नहीं लगाना पड़ा। तो इस तरह से जो विक्स का AI है वो काम करता है और आपको खुद ही वेबसाइट बना के दे देता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम विक्स का जो दूसरा ऑप्शन था जिसके अंदर हमें खुद को बनानी पड़ती थी, टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करना पड़ता था, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।